हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आपने जो है इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें आपने पढ़ा कि कैसे जो है जो ब्रीथिंग सिस्टम है हमारा, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो ब्लड जो हार्ट है वो ब्लड की पंपिंग करता है, उससे कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि ना, वाई डज ब्रेथिंग रेट इंक्रीज आफ्टर एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज करते हैं तो ना ब्रेथिंग रेट है ना, यानी कि सांस लेना, ब्रेथ करना, ऑक्सीजन को इन अंदर लेना और बाहर छोड़ना की जो प्रोसेस है, ये है ना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, वो देखिए, मैंने बताया था कि जब है ना, यदि आपको जब हम रेसिंग करते हैं तो एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, मान लीजिए आप जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो आप एक लिमिट तक ही ऑक्सीजन अंदर अंदर ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके लंग्स एक लिमिट तक ही क्या कर सकते हैं, पंपिंग कर सकते हैं, फूल सकते हैं, और ऑक्सीजन को अपने अंदर लेकर ब्लड के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन अब देखिए, अब जब ज़्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो हार्ट है ना, वो भी अपना काम करता है। वो क्या काम करता है, ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर हार्ट क्या करता है, अपने आप ऊपर प्रेशर बनाता है, और क्या करेगा, ब्लड को बहुत ही ज़्यादा स्पीडली है ना पंपिंग करना स्टार्ट कर देगा। ब्लड की जो खून है उसकी पंपिंग क्या करेगा, बहुत ज़्यादा स्पीडली करना कर देगा, जिससे क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन क्या होगी, लंग्स के द्वारा जो है ब्लड में ट्रांसफ़र की जाएगी, ज़्यादा ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और ब्लड के द्वारा ही तो ऑक्सीजन जाती है। ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो, और जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो स्टोर की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे क्या होगा, जो इसीलिए कहते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, एक्सक्रिएट करना, बाहर निकालना। ठीक है, मैंने देखिए, अब जब हम बात करते हैं कि एक तो आपके टू टाइप्स के ऑर्गन्स थे। ठीक है, पहला तो था आपका इंटरनल ऑर्गन्स वाला, उसमें इन था। ठीक है, इन मतलब अंदर, सेम ऐसे सेकंड होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में शुरू में जब लिखते हैं तो एक्स आता है, एक्स का मतलब एग्जिट, बाहर वाले ऑर्गन्स। ठीक है, जो हमें दिखते हैं, तो यही है एक्सक्रेटरी सिस्टम वाले, एक्सक्रिएशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ऐसे जो कि खाने को एग्जिट करते हो, खाने का क्या करते हो, बाहर निकालते हो, तो ऐसे जो ऑर्गन्स है वो एक्सक्रिएटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका खाने को बाहर निकालने में एक प्रोसेस है आपकी, वो है इजेशन। इजेशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि जो आपका एनस था, एनस के थ्रू क्या किया जाएगा, खाने को बाहर निकाला जाएगा, यानी कि इजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एनस के द्वारा, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से जो सॉलिड वेस्ट था। ठीक है, मैं लिक्विड वेस्ट की बात नहीं कर रहा, सॉलिड वेस्ट था। ठीक है, वो क्या होगा, एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सेम मैसेज यूरिनेशन, सेकंड है खाने को बाहर निकालने का, यानी जो हमने खाना खाया था जिसमें हम लिक्विड भी लेते हैं उसको बाहर निकालने का। दूसरा तरीका है यूरिनेशन करना, यानी कि हम क्या करते हैं, यूरिन के थ्रू, यानी कि पेशाब के थ्रू जो है जो हमने खाना खाया था उसको बाहर निकालते हैं, यानी कि क्योंकि तो खाना खाते वक्त हम लिक्विड भी लेते हैं और जो है सॉलिड भी, दोनों टाइप्स के जो पार्ट्स लेते हैं, फूड लेते हैं। ठीक है, तो इस होगा क्या, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन थी उसमें क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल विली से, जो स्मॉल जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थी ना विली, ठीक है, उनसे क्या होगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, वाटर पानी को सोख लिया जाएगा, और उसको जो है आपके जो किडनी दिख रही है स्टूडेंट्स आपको, इनमें फिट कर दी, यहाँ पर स्टोर कर दिया जाता है, यहाँ से जो लिक्विड है, ठीक है, यहाँ से जो यूरिन है वो जो आपके इस, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये है यूरिनरी ब्लैडर, इस ब्लैडर के अंदर जो है वो यूरिन को स्टोर कर दिया जाता है, और जो लास्ट में जो है वो यूरेथ्रा को, जो लास्ट वाला जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज़ यूरेथ्रा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो छोटा सा ये दिख रहा है, इसका मुँह है, ये जो है यूरेथ्रा, यानी यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाएगा आपका एक्स्ट्रा जो वाटर होता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, पानी को बाहर निकालने का मुझे क्वेश्चन है आपके लिए कि कोई एक ऐसा हमारा बॉडी का पार्ट बताओ जो कि है ना हमारी बॉडी से वाटर को बाहर निकालता हो। देखिए यहाँ पर जो है वाटर को बाहर निकालने के लिए हमारे पास ये यूरिनेशन वाले प्रोसेस है, यानी कि
यूरेथ्रा के थ्रू थ्रू जो है हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको मेरे को एक ऐसा पार्ट बताना है जो है ना, जिसे हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं अपनी बॉडी से, पसीने के रूप में, स्वेट के रूप में हम बाहर निकालते हैं ऐसा पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा पार्ट जो कि जिसे हम क्या करते हैं, पानी को बाहर निकाल सकते हैं पसीने के रूप में, ठीक है। तो ऐसा जो वो पार्ट है हमारी, ऐसा वो है आपका स्किन, ठीक है स्टूडेंट्स। जो स्किन है यानी कि जो आपकी जो खाल है ऊपर की जो स्किन होती है, ये क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जिस जो क्या करता है पानी, ये भी जो क्या है पानी, हम देखिए पानी को दो तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। पहला तो यूरिन के थ्रू, यूरिनेशन वाली प्रोसेस से, और सेकंड जो है स्किन के द्वारा, यानी जब हम गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए पसीना निकालती है, ताकि हमारी बॉडी जो है ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि ज़्यादा गर्म होने पर हम हमारी जो है तबीयत ख़राब हो सकती है, ठीक है, सेल्स डैमेज हो सकती है। तो बॉडी को ठंडा रखने के लिए जो है लिक्विड निकालते हैं, ठीक है, यानी कि, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ये आपकी कंप्लीट वीडियो हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो है पूछ सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड जो कोई क्वेश्चन हो तो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।